आज समाजवादी छात्र सभा द्वारा एक वार्ता में राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर जगमोहन यादव को प्रदेश सचिव समाजवादी छात्र सभा उत्तर प्रदेश बनाए जाने पर स्वागत सम्मान फिरोजाबाद के महानगर अध्यक्ष राजू जगहा के अंधा किया गया। राष्ट्रीय सचिव जगमोहन यादव ने कहा कि समाजवादी छात्र सभा हमेशा छात्रों के हित में कार्य करती और छात्रों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। किस तरीके का यहाँ सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा है? आज दो दिन पूर्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रोफेसर, माननीय पूर्व सांसद जी के निर्देशन आशीर्वाद से समाजवादी छात्र सभा का हमें प्रदेश सचिव मनोनीत किया गया। उसी के चलते आज हमारे अंकित भाई, जो समाजवादी पार्टी में युवजन सभा के विधानसभा अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ अपनी ब्राह्मण सभा के जिलाध्यक्ष भी हैं युवा के, अंकुर शर्मा जी लोहिया वाहिनी पदाधिकारी हैं, साथ ही साथ हमारे छात्र नौजवान अंशु आशु जी आदि सारे लोग हैं हमारे। इन सब लोगों ने मिलकर यहाँ चर्चा की, बैठ के बातचीत की और सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इन लोगों ने स्वागत सम्मान किया। साथ ही साथ हम लोगों ने प्रदेश में चल रही वर्तमान सरकार के खिलाफ चर्चा की, जिसमें ये तय हुआ कि प्रदेश में पूरे प्रदेश स्तर पर समाजवादी छात्र सभा आंदोलन करेगी, छात्र संघ बहाली को लेकर ज्ञापन भी देगी, धरना भी देगी, आंदोलन भी करेगी, साथ ही साथ छात्रों पर हो रहे मुकदमे अत्याचार उनके खिलाफ हमेशा समाजवादी छात्र सभा खड़ी है, हमेशा खड़ी रहेगी। आप देख रहे हो अभी छात्रवृत्ति को लेकर काफ़ी छात्र परेशान हैं, उन लोगों के हित में किस तरीके का कार्य आपके द्वारा किया जाएगा? बताना चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से, सभी चैनलों के माध्यम से जो जानकारी मिली हुई सभी लोगों को कि हम समाजवादी छात्र सभी लोग कॉलेज में मिले प्राचार्य से, और स्कॉलरशिप को लेकर हम लोगों ने उनको ज्ञापन भी दिया, अल्टीमेटम दिया कि इनको जल्द से जल्द समस्या सॉल्व हो। लेकिन प्रदेश सरकार छात्रों की विरोधी सरकार है, वो नहीं चाहती कि छात्रों को स्कॉलरशिप मिले, वो आगे पढ़ें, क्योंकि जब मुखिया ही नहीं पढ़ा लिखा होगा तो पढ़ेगा मैं तो जाने कौन। इसीलिए हम आगे भी कार्यरत हैं छात्रों के हित के लिए और छात्रवृत्ति के लिए हम आगे भी आंदोलन करेंगे। ये आपको भलीभांति पता है, हमने पहले भी प्राचार्य जी से बात की थी, अधिकारियों से बात की है, आगे फिर समाजवादी छात्र सभा आंदोलन के लिए कार्यरत रहे।